ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन अवैसी ने यह आरोप सिरे से खारिज कर दिया है कि वह लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। बताते चले कि एक न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान अवैसी ने कहा कि यह आरोप तो मेरे साथ आखिरी सांस तक रहेगा। यह पूछे जाने पर कि अवैसी और उनकी पार्टी पर आरोप लगता है कि वह बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं, इस पर एआईएमआईएम के नेता बिना नाम लिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बहन पल्लवी पटेल के साथ गठबंधन किया है और वह खुद जाकर उस अलायंस के लिए मेहनत करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। या पूछे जाने पर कि अपने अखिलेश के पीडीए के मुकाबले पीडीएम बनाया है और फिर यही आरोप लगेंगे कि आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो है अखिलेश यादव साल 2014 में सीएम थे, तब आम चुनाव हार गए, फिर साल 2017 का विधानसभा चुनाव, 2019 का आम चुनाव और 2022 का विधानसभा चुनाव हार गए। अवैसी ने कहा कि चार चार मर्तबा चुनाव हार गए, उनके पास कोई भी रणनीति नहीं है, चार बार जो है चुनाव हार चुके हैं, बीजेपी जीत रही है तो फिर जिम्मेदार इसका आखिर है कौन? जिम्मेदार आपकी नीतियां हैं, आपके पास क्षमता नहीं है, मुसलमान वोट आपको कर रहा है लेकिन आप बीजेपी को शिकस्त नहीं दे पा रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी ने आगे कहा कि सिर्फ यही बोलना कि वह मसीहा है, भाई का मसीहा है, आप तो ढंग से सियासत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश में है। यह कहना कि मुझ पर इल्जाम लगेंगे तो मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक ये झूठे आरोप लगते रहेंगे। बिना अखिलेश और समाजवादी पार्टी का नाम लिए जो है अवैसी ने कहा कि सच्चाई तो पुकार पुकार कर कह रही है कि बीजेपी जीत रही है तो यह उनकी वजह से हो रही है। जिस समाज ने तुमको क्या क्या नहीं दिया आपको उसका सिर्फ इस्तेमाल किया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने पॉलिटिकल बाइट।